दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं पिंडी छोले। बहुत ही बढ़िया छोले बनने वाले हैं दोस्तों आज। तो इसको बनाने के लिए दोस्तों आपको रात भर सफ़ेद छोलों को पानी में भिगोकर रखना है। आप एक से दो कटोरी छोले ले सकते हैं। मैंने दो कप छोले लिए हैं। काबुली छोले जो मोटे होते हैं दोस्तों वो ज़्यादा बढ़िया लगते हैं इसके अंदर। देखिए इसे सुबह तक भिगोया है हमने, और इसमें हमने भिगोने से पहले थोड़ा यह मसाले डाले हैं, ये टॉप सीक्रेट है दोस्तों। थोड़े आमले के पीसेस, बे लीफ और बड़ी इलायची डाल दी है दोस्तों, ताकि वो रात भर जब भीगता रहेगा उसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। थोड़ा बेकिंग सोडा भी डाल देंगे ताकि उसमें वो जल्दी अच्छे से उबल जाए दोस्तों। तो देखिए हमने इसको 3 से 4 विसल तक लगाया है दोस्तों। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया दोस्तों, काली मिर्च और बी लीफ और सबका कलर छोलों के अंदर बहुत अच्छे से भर गया है। जो आंवला है उसका अच्छा फ्लेवर छोलों में आ जाता है दोस्तों। देखिए कितने बढ़िया रंग आया है। तो हम बड़ी इलायची जो हमने इसमें डाली थी वो हम निकाल लेते हैं, ताकि सिर्फ हमारे पास छोले बच जाएं। तो कई लोग चाय की पत्ती भी डालते हैं। बनने से पहले इतना अच्छा कलर आया है, तो बनने के बाद तो सोने पे सुहागा हो जाएगा ये। फिर हमने थोड़ा तेल लिया है कढ़ाई के अंदर, और उसमें हम मसाले डालेंगे, जैसे क्यूमन सीड हुआ, क्रश्ड कोरिएंडर हुआ, बेली हुआ, तो इनको हल्का हल्का फ्राई करेंगे दोस्तों। फिर हमने प्याज काटा था, थोड़ा सा एक प्याज काटा है, उसको चॉप किया था अच्छे से, उसको भी डाल देंगे, उसको भी फ्राई करेंगे मसाले के साथ। उसमें थोड़ी ग्रीन लीव्स डाल देंगे, चिली, ग्रीन चिलीज डाल देंगे और जिंजर डाल देंगे दोस्तों थोड़ा सा। फिर हमने दो टमाटर लिए हैं दोस्तों, उसको अच्छे से काट लिया है, प्यूरी बना ली है दोस्तों, वो भी साथ में हमने डाल दी है। और तब तक इसको फ्राई करेंगे जब तक कि वो थोड़ा ब्राउन ना हो जाए। देखिए दोस्तों टमाटर अच्छे से पक गए हैं। फिर इसमें हम थोड़ा और मसाला डालेंगे, 1 चम्मच हम इसके अंदर अजवाइन डालेंगे, डालेंगे एक चम्मच, हम लोग इसमें लाल मिर्च डालेंगे, ये हमने थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया डाला है, कोरिएंडर लीफ का जो होता है पाउडर वो डाला है, ये हमने थोड़ी सी काली मिर्च डाली है 1/2 चम्मच, ये हम खटाई डाल रहे हैं दोस्तों वो भी 1/2 चम्मच। खटाई से छोले थोड़े खट्टे खट्टे हो जाएंगे, तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा दोस्तों। इन सबको अच्छे से मिला लिया हमने, हम अच्छे से इसको फ्राई कर रहे हैं दोस्तों। तो देखिए हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। तो इसमें 1 चम्मच हम कसूरी मेथी डालेंगे, थोड़ा सा हम इसके अंदर वो लिया है हमने छोले मसाला लिया है दोस्तों, या आप एवरेस्ट का, MDH का कोई भी ले सकते हैं। सबको अच्छे से हम लोग भून लेंगे दोस्तों। देखिए कितना बढ़िया रंग आया है दोस्तों। फिर इसमें हम अपने जो
को हम इसमें डाल देंगे और इकट्ठे सबको गर्म होने देंगे, ताकि जो भी मसाला बनाया है वो सब छोले के अंदर उसका स्वाद चला जाए। देखिए दोस्तों कितना बढ़िया कलर आया है, एकदम एकदम मार्केट जैसे छोले बनके तैयार हो गए हैं। इसको और पकने देंगे, जितना धीरे धीमी आँच पे पकने देंगे उतना बढ़िया में कलर आएगा। फिर हम एक पैन लेंगे, पैन में थोड़ा तेल डालेंगे, जो कल लड़की के वीडियो देखे थे हम लोग, जो सिर्फ उसके 15 वीडियो है जैसे उसको 15 वीडियो में उसने सब्सक्राइब बना लिया, बस हो गया तड़का का लेना हमें रोक के एंगल दिख रहा है। अरे वॉचिंग दोस्तों, देखते रहिए और ऐसे वीडियो।